तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके लैपटॉप का बैटरी जो है वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके फ्रीज हो जाता है, यानी कि उससे ऊपर ना तो चार्ज होता है और उससे नीचे ना ही डाउन होता है, आप चार्जिंग पॉइंट पे लगाते हैं फिर भी, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ये जो प्रॉब्लम है वो अप्रोक्सीमेटली हर कंपनी के लैपटॉप में देखने को मिलता है और ये प्रॉब्लम आना लैपटॉप में आम बात है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, आप उसको फॉलो करना, डेफिनेटली आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये जो वीडियो है वो मेथड नंबर 3 है, यानी कि मेथड नंबर 1 और 2 मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी के लैपटॉप में ये जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे इस पे वीडियो बनाए हैं और रिसर्च किए हैं, तो देखे हैं कि अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग मेथड वर्क करते हैं। तो आपका कौन से कंपनी का लैपटॉप है मुझे नहीं पता, तो इसीलिए आप वन बाय वन करके सारे मेथड को अप्लाई करके देखना, कोई ना कोई मेथड आपके लैपटॉप के लिए ज़रूर वर्क कर जाएगा। तो मेथड नंबर 3 को अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले होम पेज पे आ जाना और आपको लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे विंडो का सर्च आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर आप यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो ऊपर ही ऊपर डिवाइस मैनेजर का जो है वो सर्च बॉक्स बन के आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा, आपको यहाँ पे बैटरीज को सर्च कर लेना है। तो आप देख सकते हो इस सेकेंड में मेरे को बैटरीज मिल गया है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। आप डबल क्लिक जैसे करेंगे तो दो और पेज ओपन होके आएगा, एक तो माइक्रोसॉफ्ट एसी अडाप्टर और एक माइक्रोसॉफ्ट एसीपीआई ओपन होके आएगा। तो आपको जो है सबसे पहले सेकेंड वाले पे पहला क्लिक करना है, यानी कि सेकेंड वाले ऑप्शन पे माइक्रोसॉफ्ट एसीपीआई पे फर्स्ट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है। तो जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, आपको फिर से पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और जो भी प्रॉब्लम आपके बैटरी में होगा यानी कि लैपटॉप के बैटरी में उसको ये सॉल्व कर दिया जाएगा और ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। यानी कि मेरे में ये प्रॉब्लम था तो उस टाइम ये लिखा हुआ नहीं आता था, अब मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है क्योंकि मैंने जो है वो ये ड्राइवर को इंस्टॉल कर लिया, तो इसलिए द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर देना, तो आपने पहला जो है पहले यानी कि सॉरी सेकेंड वाले का ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद आपको जो है वो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा, आपको फिर से पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी अपडेट आपके लैपटॉप के बैटरी से रिलेटेड होगा उसको फिक्स कर दिया जाएगा और यहाँ पे द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ जाएगा या इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है कि आपके जो लैपटॉप का प्रॉब्लम है बैटरी फ्रीजिंग से रिलेटेड उसको सॉल्व कर दिया गया है। आप इसके बाद इसको यहाँ से कट कर लेना और ध्यान रखना इस मेथड को अप्लाई करते समय आपकी जो लैपटॉप का बैटरी है यानी कि लैपटॉप चार्जिंग पे लगा होना चाहिए, और जैसे आप इस मेथड को अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आप अपने लैपटॉप के बैटरी को चार्जिंग से हटा दें और फिर से आपको यहाँ पे आपके लैपटॉप या फिर पीसी के कीबोर्ड में टाइप करना है Alt+F4। जैसे आप Alt+F4 क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होके आएगा, आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से रीस्टार्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप रीस्टार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। इससे पहले आप ध्यान देना कि आपके लैपटॉप से यानी कि लैपटॉप चार्जिंग से हटा हुआ होना चाहिए, और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके जो लैपटॉप है वो रीस्टार्ट होगा कुछ टाइम बाद, और जैसे रीस्टार्ट हो जाएगा तो फिर से आप अपने लैपटॉप की बैटरी को चार्जिंग पॉइंट से लगाएं और आप देखोगे कि आपका जो स्टक वाले प्रॉब्लम था यानी कि फ्रीजिंग वाले वो खत्म हो गया है यानी कि सॉल्व हो गया है। इन केस अगर मेथड नंबर 3 से आपके जो ये बैटरी फ्रीजिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो मैं मेथड नंबर 4 भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
ताकि जैसे मैं मेथड नंबर 4 को अप्लाई करूं और उस पर वीडियो बना के अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना। कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेथड नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।